I have found death. He, along with his friends, is neither willing nor capable. अब देखो, I have found. सबसे पहले I, फिर have, फिर found. बिल्कुल सही है जी. Construction subject है. फिर have, फिर found. Death क्या he? एक subject आ गया. बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि एक नई clause शुरू हो रही है. Along with. अब ये बड़ा important होता है along with. इससे पहले भी सब्जेक्ट होना चाहिए और बाद में भी सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि है सब्जेक्ट वन अलोंग विद सब्जेक्ट टू. कंस्ट्रक्शन होती है याद रखो. और इसके बाद एक आता है वर्ब. अब ये वर्ब आता है हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. ये बड़ी अहम बात है. अलोंग विद में से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो जो वो वर्ब आता है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है? फर्स्ट वाले. तो ही के साथ इज है. बिल्कुल सही है. नाइदर विलिंग नॉर कैपेबल. नाइदर के साथ नॉर बिल्कुल ठीक है. हाँ अगर यहाँ नॉर की जगह फर्ज करो और होता तो मैं कहता गलत है, लेकिन चूंकि नॉर है सही है. इसका अलावा पूरा सेंटेंस सही है. नो एरर. वेट अ मिनट, अब क्या कर सकते थे? फर्ज करो यहाँ आर दे देते. अक्सर लोग उसको टिक भी कर देते. हिज फ्रेंड्स आर. नो. याद रहे रूल हमेशा, जब भी अलॉन्ग वे से कनेक्ट होगा वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. हाँ अगर यहाँ आगे वर्ब होता नाइदर नॉर के बाद, तो रखो नाइदर नॉर वाला जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के तहत. लेकिन है ही नहीं चुके ऐसा, तो इसलिए कोई आया भी नहीं है.